सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो स्क्रैच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फैक्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई फ्रेश टेक वीडियो में, और आज हम आपके लिए लेके आए काफी सारी लेटेस्ट टेक न्यूज। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना वरना बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मेरी सबसे पहली अपडेट जो निकल के आ रही है वो आ रही है एंड्रॉइड की तरफ से। एंड्रॉइड हो चुका है 10 साल का, यानी कि 10 साल पहले हुआ था एंड्रॉइड लॉन्च और अब ये चलता है 88% स्मार्टफोन्स के ऊपर। ये बहुत कमाल की न्यूज है, एक अपडेट है, क्योंकि इसकी जो लेजेंडरी ओएस है ये स्टार्ट हुआ था टी मोबाइल G1 स्मार्टफोन पर, जो कि बनाया गया था HTC द्वारा, और उस पर था एंड्रॉयड V1.1 यानी कि एंड्रॉयड वर्जन 1.1। तो ये थी आज की बहुत ही कमाल की अपडेट, यानी कि हैप्पी बर्थडे एंड्रॉयड। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है नोकिया की तरफ से। नोकिया 5.1 प्लस लॉन्च हो चुका है इंडिया के अंदर, और ये रिलीज हुआ था चाइना में कुछ समय पहले नोकिया XY के नाम से। इसकी जो कीमत बताई जा रही है वो है $151 यानी कि 11,000 रुपए, और साथ साथ ये एक्सक्लूसिवली nokia.com और Flipkart पे अवेलेबल होगा 1 अक्टूबर से। अब जैसे कि आपको पता है यार, अभी अभी रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया था 6.1, अब बस देखते हैं यार वो कब तक आता है। और ये बहुत ही बेहतरीन फोन है क्योंकि यार इसकी नोच एक तो बहुत प्यारी है, 11,000 रुपए के हिसाब से इसकी नोच बहुत प्यारी है यार। इसके अंदर होगा डुअल कैमरा, बैटरी होने वाली है 3000 mAh की, 3060 mAh की एग्जैक्टली, ओरियो मिलने वाला है आपको इसके अंदर, काफी सारी चीजें यार। मैंने इसके ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो भी बनाया हुआ है, जाके उसको देख लो। और साथ ही साथ बढ़ते हैं आगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है और ये हवावे की तरफ से, हवावे ने क्लेम कर दिया क्रिन 980 फास्टर है एप्पल की A12 बायोनिक से। तो ये है बहुत ही कमाल की न्यूज, क्योंकि अब तक अब मैं कहता आ रहा था, हमेशा कहता था कि भाई एंड्रॉयड यूजर्स जो हैं, जो एंड्रॉयड यूज करते हैं वो एप्पल से 2 साल पीछे ही रहेंगे हमेशा। बट ये चीज हवावे ने पूरी कर दी कि वो लेके आने वाला है बहुत ही जल्द, अक्टूबर 16 को जो मेट 20 और मेट 20 प्रो आने वाला है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा क्रिन 980, और ये फास्ट है एप्पल A12 बायोनिक से। तो ये थी एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक बहुत ही कमाल की न्यूज यार, कांग्रेचुलेशंस टू एंड्रॉइड यूजर एंड मी टू। सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो भी बहुत ही कमाल की न्यूज है। Xiaomi Mi स्मार्ट टीवी जो है वो अब लाइनअप कर चुका है और आने वाला है बहुत ही जल्द अवेलेबल होने वाला है ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर इंडिया के अंदर। यानी कि जैसे कि आपको पता है यार, LG, सैमसंग और जितनी भी कंपनियां थी उन सभी के टीवी ऑफलाइन स्टोर्स में बिकते थे, पर Xiaomi एक अकेला ऐसा टीवी था जो फ्लैगशिप सेल्स निकालता था, और साथ ही साथ यार भाई पता लगा 2-3 मिनट में टीवी गायब। तो ये चीज अब नहीं होने वाली क्योंकि Xiaomi ऑफलाइन स्टोर्स पर बहुत जल्द आने वाला है। तो ये बहुत ही कमाल की बात है यार, जिन लोगों को ऑफलाइन स्टोर से लेना बहुत ज्यादा पसंद है तो अब वो जाओ यार ऑफलाइन स्टोर पे खरीदो, ये बहुत जल्द होने वाला है। और ये अनाउंसमेंट आज हुई थी यानी कि मंडे को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो ये काफी क्रेजी से अपडेट, क्योंकि सैमसंग ने ये कह दिया है कि वो बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है गैलेक्सी A9 Pro 2018। अब ये तो अच्छी बात है कि लॉन्च कर रहा है, लेकिन क्रेजी पन ये है कि उसमें होने वाले 4 कैमरा और ये लॉन्च होगा 11 अक्टूबर को। मेन बात यह है भाई, सैमसंग दौड़ लगा रहा है, पता नहीं किसके साथ दौड़ रहा है, मोर एंड मोर कैमरा अपने फोन के अंदर लेके आने के लिए। पता नहीं भाई बहुत ही अजीब सा लुक है, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा अजीब लुक है। यानी कि जो पहले लॉन्च किया था जिसके ऊपर मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बनाई है सैमसंग A7 को लेकर, कि भाई वो उसमें 3 कैमरे थे, अब इसमें 4 लिया है भाई, तो 4 कह रहा है। खैर पढ़ते अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर रही है एप्पल को लेकर, एप्पल का iOS 12 जो है वो अपग्रेड कर दिया गया और उसके अंदर आया एक नया फीचर एयरपोर्ट्स को लेकर, जाके वो बन सके क्वाइट मोर यूजफुल। अब ये कैसे होगा ये मैं बता देता हूँ। पहली चीज, जो लोग कम सुनते हैं, मैं ये नहीं कह रहा जो पूरे कुछ भी नहीं सुन पाते, जो लोग कम सुनते हैं मतलब मिडल हियरिंग प्रॉब्लम में होते हैं, जो लोग थोड़ा मतलब कम सुन सकते हैं, उन लोगों के लिए बन सकता है डिजिटल हियरिंग एड। ये मैं नहीं कह रहा कि परमानेंट सॉल्यूशन है, बट ये काफ़ी हद तक उनको हेल्प करने वाला है। एप्पल ने इस चीज़ को ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं किया, लेकिन ये चीज़ बहुत ही अच्छी है उन लोगों के लिए भाई जो अफोर्ड नहीं कर पाते, मतलब उन्हें कम सुनता है लेकिन अब भाई वो अफोर्ड नहीं कर सकते हियरिंग एड्स को, तो उनके लिए क्वाइट यूजफुल होने वाली ये चीज़। तो बढ़ते हैं आगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है एप्पल की तरफ से। अब भाई एप्पल इंडिया में कुछ सही मायने में ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक रीज़न है कि क्यों ये चीज़ ज़्यादा बुरी भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि एप्पल ने लॉन्च किया है अपने नेक्स्ट जनरेशन आईफोन, आईफोन XR, XS, XS Max, और अगर आप तक अभी तक ये सोच रहे थे कि आईफोन X यार बहुत महंगा है,
तो यार एक बार अपने विचारों को दोबारा ध्यान करो, उनके ऊपर दोबारा गौर करो, उन्हें रिकंसिडर करो, क्योंकि आईफोन XS और XS Max और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यानी कि जो XS है वो है 99,900 का और जो XS Max है वो है 1,09,900। अब भाई ये थी बहुत ही खतरनाक सी न्यूज़, क्योंकि भाई इसने तोड़ दिए हैं अब तक के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स। इसने ये भी तोड़ दिया है कंज्यूमर ग्रेड स्मार्टफोन प्राइसिंग, एक रिकॉर्ड था, उन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया गया है। तो भाई एप्पल यार सैल्यूट टू यू, कर क्या रहे हो। खैर बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है व्हाट्सएप को लेके। भाई व्हाट्सएप अब बन चुका है फेक न्यूज़ मीडियम, एक नॉर्मल बातचीत करने वाली चीज़ों से अब बन चुका है फेक न्यूज़ मीडियम, क्योंकि भाई और इसे एक सोल्यूशन चाहिए यार इसे ठीक करने का। अब जैसे कि आपको पता है काफ़ी सारे फेक मैसेज तो ऑलरेडी जाते हैं लोगों के पास, शेयर करते हैं भाई इस लिंक को क्लिक करो या उसको क्लिक करो। अब आप लोग पहली चीज़ तो आप लोग उस चक्कर में मत फंसा करो। दूसरी चीज़, अभी एक न्यूज़ आई है कि जून की बात है, लेट नाइट इवनिंग में एक टीचर था गुवाहाटी में, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहते थे, वो रिलैक्स कर रहे थे, उनके पास एक वीडियो फुटेज गई जो कि काफ़ी शॉकिंग थी। उसमें दो लोगों को बहुत मतलब मर्सीलेस तरीके से पीटा गया और मतलब वो न्यूज़ काफ़ी मतलब अलग थी, उसकी वजह से काफ़ी कुछ ड्रामा हो गया। मतलब मेन चीज़ क्या है भाई, अवेयरनेस चाहिए इसमें, कुछ लोगों को भी अवेयरनेस चाहिए और कुछ व्हाट्सएप की भी चाहिए, कुछ ना कुछ तो हरकत चाहिए। कहीं पे जा रही है कोई, ये भाई ये कर लो वो कर लो, भाई कमाने वाले कमा रहे हैं उससे, लेकिन नुकसान अपनी ऑडियंस का हो रहा है। इस चीज़ को यार थोड़ा फैलाओ यार, इसलिए कहता हूँ वीडियो को शेयर किया करो मेरी। और साथ ही साथ भाई आज काफ़ी सारी अच्छी न्यूज़ थी और एक ये अवेयरनेस न्यूज़ के खातिर एक लाइक तो बनता है। खैर बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारे जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वाली शाओमी को लेके, शाओमी मी बैंड 3 को लेके, जो कि कंफर्म हो चुका है इंडिया में लॉन्च होने वाली है बहुत ही जल्द सून एक्सक्लूसिवली अमेजोन पर। अब भाई जैसे आपको पता है यार एमआई बैंड 3 चाइना में लॉन्च हो चुका था मई के अंदर और वो ऑफिशियली इंडिया के अंदर बहुत जल्द आ रहा है। शाओमी हमें वेट करवा रहा है, हमसे गेसिंग करवा रहा है कि भाई डेट क्या है बता दो भाई सोच समझ के। पर जहाँ तक डेट साबित की मतलब एक सोचा जा रहा है, जहाँ तक एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, तो डेट होगी भैया 27 सितंबर। अब इसकी कीमत की बात कर ले तो ये थी 169 CNY के अंदर, यानी कि जो चाइनीज की करेंसी है, और अगर मैं रुपीज़ में बात करूँ तो ये होगा 1,800 रुपीज़ के आसपास। तो भाई ये है कमाल की न्यूज़, क्योंकि बहुत जल्द आने वाला है Xiaomi Band 3। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारे जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है और ये ओप्पो को लेकर, ओप्पो A7 लीक हो चुका है, उसकी काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशन लीक हो चुकी है। जैसे कि आपको पता है भाई उसकी जो स्क्रीन मतलब जो लीक हुई है उसका स्क्रीन साइज है वो 6.2 इंचेस का HD+ डिस्प्ले, और चिपसेट की बात करें तो वो है 440 स्नैपड्रैगन 440। अब ये चाइना में लॉन्च हुआ था 10 सितंबर को CNY 2099 के अंदर और इंडिया में इसकी कीमत तकरीबन बताई जा रही होने वाली है 21,000। और इंडिया में जब ये लॉन्च होगा तो A7 वर्जन के नाम पे लॉन्च होने वाला है। अब इसकी काफ़ी सारी डिटेल्स हमारे पास है, इसकी इंडिविजुअल वीडियो भी बहुत जल्द आउट होने वाली है, उस वीडियो को जाकर देख लेना। तब तक के लिए भाई इस वीडियो को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं जैसे हमेशा बोलता है शेयर भी करो यार, कमेंट भी करो, आपकी हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करना चाहिए और साथ में सब्सक्राइब तो यार कर ही दिया करो, कुछ नहीं होता यार, एक सब्सक्राइब का बटन ही तो दबा रहे हैं, दबा दो और बेल आइकन को भी दबा दो जब साइड में आते हैं बेल आइकन को। एंड गुड बाय, टेक केयर, स्टे ऑसम, बी काइंड टू वन अदर।